हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो होगी एक एम्पलीफायर की ऑडियो बोर्ड की। मैंने एक एम्पलीफायर का ऑडियो बोर्ड मंगाया है, देखते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करके कि क्या इन्होंने भेजा है। वैसे लगभग 1200 वाट पे इन्होंने लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर। इसमें जो इन्होंने जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉक्स पर इन्होंने लिखा हुआ है 1200 वाट और इन्होंने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए वो 1943 और 2852 इन्होंने यूज़ किए। तो इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, किस तरह का बोर्ड है, क्या कंपोनेंट इन्होंने यूज़ किए और इनकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद हम इसकी देखेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी साउंड अगर सुननी होगी आपको तो मैं इसकी एक बार साउंड की वीडियो भी बनाऊँगा इसकी साउंड के ऊपर कि इसकी आवाज़ कैसी है और ये कौन कौन से स्पीकर को बजा सकता है। तो ठीक है, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है और बॉक्स में इन्होंने पैकिंग ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है। इसमें बॉक्स हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इसमें इन्होंने एक छोटा सा थर्माकोल का पैकेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी बोर्ड मुझे कहीं से डैमेज तो नहीं लग रहा है। देख लेते हैं कि बोर्ड थोड़ा सा इन्होंने हीट सिंक को मेरे ख्याल से लाते वक्त इन्होंने देखो डैमेज कर दिया है, थोड़ा सा कोना इसका गया हुआ है। ठीक है, ये हम इसको एक साइड रखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। तो ये हमारा बोर्ड है, इसमें ये इन्होंने बेस ट्रेबल इसके साथ में ही है, देखो जैसे कि आप पास से देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं 2852, इसमें ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे 2852 और 1943 इसमें है। तो ठीक है, कंपोनेंट ठीक ठाक कंपोनेंट दिए हुए इन्होंने, कैपेसिटर दिए हुए हैं इधर, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डैमेज है। इसमें इन्होंने एक जो ये एक आईसी है लूज़ है, पॉइंट इसके उखड़ गए हैं और ये डैमेज है थोड़ी सी। तो ठीक है, ये ठीक ठाक लगा मुझे बोर्ड, और बेस ट्रेबल भी इसमें ठीक ही लग रही है मुझे, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है बट ठीक है। तो इस पर अगर आपको चाहिए कि मैं एक साउंड वीडियो बनाऊँ इसकी साउंड टेस्ट करने के लिए तो आप कमेंट करिए, उसमें बताइए मुझे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, इसकी साउंड टेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। बाकी इसकी ड्राइवर वगैरह मुझे ठीक लग रहे हैं, अच्छा है बोर्ड, काफ़ी अच्छा बोर्ड बनाया है इन्होंने। कुछ चीज़ें जो मेरे हिसाब से हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो ठीक है,